बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको यंगर्स के लिए स्टाइलिश फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी। हमें जो फ़्रॉक तैयार करना है उसकी साइज़ है 36 इंच, तो उसके लिए हम 40 इंच कपड़ा लेंगे, 4 इंच हम ज़्यादा लेंगे। और कपड़े की जो विथ है वो हमने ली है 32 इंच, आप कम या ज़्यादा ले सकती हैं। अब हम इस कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। कपड़े को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। इसकी ऊपर की साइड से हम 2 इंच पे मार्क का निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे। अब हम इस कपड़े को यहाँ से फोल्ड करेंगे। फ्रेंड्स, अब मैंने स्लीव्स ले ली हैं। हमें तैयार स्लीव्स 20 इंच तक रखनी है, तो इसकी 5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। और स्लीव्स की विथ जो है वो मैंने 9 इंच रखी है। अब हम स्लीव्स को इसके ऊपर रखेंगे। स्लीव्स की ओपन वाली साइड बाहर की तरफ करनी है। अब मैं आर्म होल का 8.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और ऊपर से शोल्डर का 5 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब स्केल की हेल्प से इस तरह से हम तिरछा निशान लगाएंगे। ये देखें, बिल्कुल तिरछी हमें यहाँ से कटिंग करनी है। नीचे से गोलाई की शेप देने के लिए यहाँ पे हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और हल्की सी यहाँ से गोलाई में हम कटिंग कर देंगे। अब हम स्लीव्स को यहाँ से उठा लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो यहाँ से आप हल्की सी फिटिंग में कटिंग कर सकते हैं। वैसे इस तरह के फ्रॉक्स में साइडों की कटिंग नहीं होती। अब हम फ्रंट और बैक अलग कर देंगे। कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, अब हम स्टिचिंग करेंगे। जी फ्रेंड्स, ये हमारे फ्रॉक की फ्रंट है और इसके ऊपर हम स्लीव को इस तरीके से रखेंगे। हमें यहाँ से सिलाई करनी है और दूसरी स्लीव्स को इस तरीके से रखेंगे, हमें यहाँ से सिलाई करनी है। फ्रेंड्स, जिस तरीके से हमने कटिंग की थी उसी तरीके से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। दूसरी बाजू पर भी सिलाई लगा देते हैं। अब जिस तरीके के साथ बाजू के साथ हमने फ्रंट को स्टिच किया है, वैसे ही हम बैक को भी कर देंगे। देखें, मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसमें हल्का सा निफा बनाना है। ऊपर से 2 इंच पर जो हमने निशान लगाया था वहाँ से हल्का सा फोल्ड करके हमें निफे की सिलाई लगा लेनी है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और एक बार मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा, इसमें आपको डिज़ाइनिंग से रिलेटेड बहुत न्यू आइडियाज़ मिलेंगे। यहाँ एंड में हमें थोड़ा सा ओपन रखना है क्योंकि हमें इसमें इलास्टिक डालनी है। इसके बाद हम बाजू की मोहरी की सिलाई लगाएंगे हल्की सी फोल्ड करते हुए। सेम इसी तरीके से हम दोनों बाजुओं की सिलाई लगा लेंगे। अब इसमें हम इलास्टिक लगाएंगे, 5 इंच के गेप पे हम निशान लगाएंगे और उसी निशान को फॉलो करते हुए हम इलास्टिक लगाएंगे। इसी तरीके के साथ हम दूसरी बाजू पे भी इलास्टिक लगा देंगे। ये देखें, बहुत ही प्यारी इसकी गैदरिंग आई है। अब मैं इसकी साइड फिटिंग की सिलाई लगा लेती हूँ। दूसरी साइड की भी इसी तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। अब नीचे से बारीक फोल्ड करते हुए नीचे से भी सिलाई लगा लेते हैं।
अब इसके नेक पे डबल सिलाई लगानी है क्योंकि इसमें इलास्टिक डालनी है, तो हाफ इंच के गेप पे इससे डबल सिलाई लगानी है। अब ये सिलाई कंप्लीट हो गई है, अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। मैंने इलास्टिक की साइज़ 21 इंच रखी है, आप कम या ज़्यादा कर सकती हैं। इसको पिन या सेफ्टी पिन की हेल्प से हम इसमें अंदर डालेंगे। इलास्टिक हमने डाल ली है, अब इलास्टिक को हम सिलाई की मदद से इसको फिक्स कर देंगे। इसको अच्छी तरह यहाँ से हम पक्का कर देंगे। यहाँ से जो हमारा हाफ इंच खुला हुआ था उस पर भी हम सिलाई कर देंगे। अब 5 इंच के गेप पर हम फिटिंग वाली जगह पर ये स्ट्रिप लगाएंगे बेल्ट के लिए। साइड से इस तरीके से हम ये स्ट्रिप लगा देंगे। फ्रेंड्स, इसी के साथ हम फ्रॉक को कंप्लीट करेंगे। ये देखें, ऊपर से मैंने डोरी का टसल बना के इसे सुई के साथ अटैच कर लिया है और इसमें बेल्ट भी डाल लिया है। अब मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगली वीडियो में। जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें।